गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सीताराम मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। टुडेज लेक्चर टॉपिक इज़ नीड ऑफ ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के EL 301 यूनिट नंबर 8 का पार्ट 1। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ब्लॉकिंग ऑसिलेटर क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, मीन्स नीड ऑफ ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि ऑसिलेटर क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि ए ऑसिलेटर इज़ ए सर्किट दैट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट बाय इट्स ऑन विदाउट एनी इनपुट अप्लाइड। ऑसिलेटर जो होता है ये हमें साइनोसोइडल वेवफॉर्म्स प्रदान करता है बिना किसी इनपुट के। इट मीन्स इसको हमें कोई भी एसी इनपुट देने की जरूरत नहीं होती है, बिना किसी एसी इनपुट के हमें आउटपुट प्रदान करता है। ऑसिलेटर नीड एन एम्पलीफायर। अब ऑसिलेटर में होता क्या क्या है, ऑसिलेटर में सिंपल हमने ऑसिलेटर जब पढ़े थे तब हमने देखा था कि ऑसिलेटर में एक एम्पलीफायर होता है और एक उस एम्पलीफायर को फीड के थ्रू हमें फीडबैक प्रोड्यूस करते हैं। वो फीडबैक किस नेचर की होती है, दैट इज़ पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि हमने देखा था कि एम्पलीफायर में हम नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑसिलेटर होता है उसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि आउटपुट को इनपुट के साथ मिक्स किया जाता है विद 0 डिग्री या 360 डिग्री के फेस शिफ्ट के साथ। सो द फीडबैक प्रोवाइडेड, जो फीडबैक हम देते हैं, दैट शुड बी रीजनरेटिव फीडबैक। रीजनरेटिव का मतलब क्या होता है कि वो फीडबैक का काम केवल इतना नहीं होना चाहिए कि जो भी आउटपुट है उसको उठा के उसी फॉर्म में इनपुट को दे दिया जाए। तो जो फीडबैक सर्किट होता है उसका इसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो आप फीडबैक आउटपुट से ले रहे हैं उसको आप रिकन्फिगर कर सके। इट मीन्स उसका उसकी कितना फीडबैक देना है उसको वो कंट्रोल कर सके, प्लस किस नेचर का फीडबैक देना है, करंट को करंट अप्लाई करना है इनपुट में कि वोल्टेज अप्लाई करना है, ये कैपेबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए, या इनपुट जो फीडबैक है उसको घटाने और बढ़ाने की भी उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं रीजनरेटिव फीडबैक। सो बेसिकली जो हमारे ऑसिलेटर होते हैं, जब हम ऑसिलेटर को पढ़ते हैं तो ऑसिलेटर को हम दो जगह डिवाइड कर सकते हैं कि क्या जो क्लासिफिकेशन है। ऑसिलेटर जो होते हैं दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो होते हैं कौन से, हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हम नॉर्मली ऑसिलेटर पढ़ते हैं, जैसे ये RC, LC और दूसरे जो इसमें कॉलपिट, हार्टली, ये सब हार्मोनिक, जो एक हार्मोनिक प्रोड्यूस करते हैं, इट मीन साइनोसोइडल वेवफॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हार्मोनिक ऑसिलेटर, उस अलग चैप्टर है उसका। और एक होते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, रिलैक्सेशन, इसमें पूरा नहीं रहे, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ओके, सो जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के ऊपर है। सो रिलैक्सेशन हमारा टॉपिक तो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर है, तो जो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर होता है वो इज़ ए टाइप ऑफ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। व्हाट इज़ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर क्या होता है, ये भी एक ऑसिलेटर ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है हार्मोनिक और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में। हार्मोनिक जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें प्योर साइनोसोइडल वेवफॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे साइन वेव हुई इस टाइप की। लेकिन जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स होते हैं ये हमें नॉन साइनोसोइडल वेवफॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। नॉन साइनोसोइडल मीन्स उनका जो ऑन टाइम ऑफ टाइम, मतलब हम देखें कि ऑन टाइम ऑफ टाइम का मतलब जैसे पीरियोडिक वेवफॉर्म्स होती है, पीरियोडिक वेवफॉर्म आधे टाइम ऑन हाई रहती है, आधे टाइम लोअर होती है, तो जो उनका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं रहता है। इट मीन्स नॉन साइनोसोइडल वेवफॉर्म, जैसे रेक्टेंगुलर पल्सेस, ट्रायंगुलर पल्सेस, इस तरह की वेवफॉर्म्स ये प्रोड्यूस करती हैं। और ये जो आउटपुट है इनका रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का, वो जो टोटली है वो डिपेंड करता है कैपेसिटर के एक्शन पर, कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक्शन पर, ये पूरा उनका वर्किंग डिपेंड करता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ऑब्वियसली ऑसिलेटर है तो इसके अंदर फीडबैक हम जरूर यूज़ करेंगे टू जनरेट नॉन साइनोसोइडल आउटपुट। फीडबैक कौन सी है,
पॉजिटिव फीडबैक। ओके सो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की आगे कैटेगराइजेशन अलग अलग तरीके से रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाए जा सकते हैं यूजिंग यूजेटी बनाया जा सकता है जिसको यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहते हैं। और इसके अलावा ब्लॉकिंग ऑसिलेटर इज़ ए टाइप ऑफ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, मींस जो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर होता है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का एक टाइप है। तो हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। तो आगे बढ़ते हैं, ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। ए ब्लॉकिंग ऑसिलेटर इज़ ए वेव फॉर्म जनरेटर दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस नैरो पल्सेस और ट्रिगर पल्सेस। हम ट्रिगर पल्सेस क्या होती हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्सेस होती हैं। सो व्हाइल हैविंग द फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट सिग्नल, देख फीडबैक इसमें है यूज़ होता है। इट ब्लॉक्स द फीडबैक आफ्टर ए साइकिल फॉर सर्टेन प्री डिटरमाइंड टाइम। अब इसको ब्लॉकिंग ऑसिलेटर क्यों कहते हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। इसे ब्लॉकिंग ऑसिलेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्मल ऑसिलेटर में तो जो आउटपुट है, जो फीडबैक है, वो कंटिन्यूसली हमें इनपुट को मिलता रहता है। लेकिन इसका डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि जो आउटपुट है वो पूरे टाइम के लिए ना मिलकर कुछ देर बाद वो ऑफ हो जाता है और उस ऑफ के दौरान हमें आउटपुट नहीं मिलता है। और उसके कारण जो पल्सेस जनरेट होती हैं वो जो पल्सेस होती हैं वो नैरो पल्सेस होती हैं या ट्रिगर पल्सेस होती हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, क्योंकि आउटपुट को कुछ देर बाद ब्लॉक कर देता है। ओके जो कंस्ट्रक्शन होती है ब्लॉकिंग ऑसिलेटर की, इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है जो कि एम्पलीफायर की तरह काम करता है। क्योंकि ऑसिलेटर में हमें क्या क्या चाहिए, ऑसिलेटर में एक एम्पलीफायर चाहिए, एक फीडबैक सर्किट चाहिए जिसमें फीडबैक, जब हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी कि वो कॉलपिट हार्टली ये सब पढ़े थे उसमें जो फीडबैक नेटवर्क बनाया गया था वो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस और इंडक्टर से मिलके बना था। लेकिन यहाँ पर उनसे ना बनकर हम इन ब्लॉकिंग ऑसिलेटर में जो हमारा फीडबैक है वो यूजिंग पल्स ट्रांसफार्मर हम लेंगे, यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू हमें इनपुट पर फीडबैक के तौर पर मिलेगा। सो डिफरेंस क्या हुआ ब्लॉकिंग ऑसिलेटर और उसमें, कि फीडबैक आपके लिए आप यहाँ पर पल्स ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ RLC। अब पल्स ट्रांसफार्मर क्या होता है, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं ब्लॉकिंग ऑसिलेटर के बारे में। तो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर क्या होता है, ब्लॉकिंग ऑसिलेटर सिंपल एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे कंपोनेंट को मिला के बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हमें नैरो पल्सेस और ट्रिगर पल्सेस प्रोवाइड करता है। और इसके जो डिस्क्रीट कंपोनेंट है जिससे मिलकर ये बना होता है वो क्या है, रजिस्टर, ट्रांसफार्मर और एक एम्पलीफाइंग एलिमेंट जो कि या तो वैक्यूम ट्यूब हो सकता है या ट्रांसिस्टर हो सकता है। यहाँ पर हम यूजिंग ट्रांसिस्टर पढ़ेंगे। ओके मैंने ये भी बता दिया कि इसका नाम ब्लॉकिंग ऑसिलेटर क्यों पड़ा है, क्योंकि आउटपुट को कुछ देर बाद ब्लॉक कर देता है और उसके बाद जो आउटपुट उसके कारण मिलती है दैट इज़ नैरो पल्सेस। सो अब देखते हैं कि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है पल्स ट्रांसफार्मर वो क्या होता है। ओके तो पल्स ट्रांसफार्मर क्या होता है, पल्स ट्रांसफार्मर की जो डायग्राम है, जो एक सर्किट है वो कुछ इस तरह का होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और इसके अंदर डायरेक्शन करंट डायरेक्शन शो करने के लिए दो वाइंडिंग पॉलिटीज़ के लिए दो देखो इस तरह के इंडिकेशन लगाए हुए होते हैं। अब इन पॉलिटी के हिसाब से ही हम हमारी फीडबैक को डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारी फीडबैक है वो किस फेज में हमको अप्लाई करनी है इनपुट को। सो ए पल्स ट्रांसफार्मर इज़ वन विच कपल्स ए सोर्स ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द लोड कीपिंग द शेप एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द पल्स अनचेंज। इट मीन्स कि जब फीडबैक हम देते हैं तो जो उसकी शेप है, जो आउटपुट को फीडबैक दे रहे हैं उसकी शेप और जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इट मीन्स ये हमको मिनिमम अटेन्यूएशन प्रोवाइड करता है और जीरो या मिनिमम फेज चेंज देता है, क्योंकि फेज तो हमको चेंज करना ही नहीं होता है ऑसिलेटर में, क्योंकि जो फेज है उसको जीरो डिग्री में ही हमको इनपुट को देना होता है। तो हमें ऐसा डिवाइस चाहिए जो जिसका अटेन्यूएशन कम हो, यानी कि हमारा सिग्नल अटेन्यूएट ना हो जिसको हम फीडबैक दे रहे हैं, इनपुट को अप्लाई कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई भी फेज चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो पल्स ट्रांसफार्मर है हमारी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है।
जो आउटपुट आएगा हमारा ब्रॉकिंग ऑसिलेटर में, मैंने बताया इट इज़ ए टाइप ऑफ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। टोटली डिपेंड करता है जो इस सर्किट के अंदर कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं उनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर। इट मीन्स जितनी देर में कैपेसिटर चार्ज होता है उतने टाइम पीरियड का हमें आउटपुट मिलता है ऑन टाइम, और जितनी देर में डिस्चार्ज मिलता है होता है कैपेसिटर उतनी देर का हमें ऑफ टाइम मिलता है, जो पल्स हमें आउटपुट पर मिलती है। सो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर इज सच ए फ्री रनिंग ऑसिलेटर मेड यूजिंग ए कैपेसिटर एंड पल्स ट्रांसफार्मर अलोंग विद सिंगल ट्रांजिस्टर विच इज़ कट ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द ड्यूटी साइकिल प्रोड्यूसिंग पीरियोडिक पल्सेस। सो ये वही बात है, पल्स ट्रांसफार्मर के अंदर जो चीज़ें यूज होती हैं कैपेसिटर रेजिस्टेंस एंड ए ट्रांजिस्टर, और हमें इससे पीरियोडिक पल्सेस मिलती है। पल्सेस का मतलब आप समझ लीजिए, पल्सेस मतलब रेक्टेंगुलर शेप की पल्सेस हमको मिलती है, जिनकी जो बहुत एप्लीकेशन है इन रेक्टेंगुलर पल्सेस की, कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो फ्लैशिंग एलईडीज हैं, कभी आपने देखी होगी जो गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर हम साइड में खड़ी करके और उसकी फ्लैश लाइट जला देते हैं तो वो बार बार फ्लैश होती रहती है लाइट, तो फ्लैश इस ब्लॉकिंग ऑसिलेटर के कारण ही होती है, क्योंकि कैपेसिटर जब धीरे धीरे एकदम से चार्ज होता है तो वो जो फ्लैश की इंटेंसिटी है वो बढ़ के एकदम तेज़ से फ्लैश होता है और वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाती है। तो जब वो लाइट ऑफ होती है इट मीन्स डिस्चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, और जब वो फ्लैश होती है इट मीन्स चार्ज कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। उसके पैरेलल हम एलईडी कनेक्ट कर देते हैं तो एलईडी को जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है कैपेसिटर की वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो बार बार फ्लैशिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बीकन्स होती हैं पुलिस की गाड़ियों के ऊपर, वो भी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट उसके अंदर लगा हुआ होता है जिसके कारण वो फ्लैश करती है। इसके अलावा ब्लॉकिंग ऑसिलेटर की और भी कई सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे जो कैमराज होते हैं वो उसके फ्लैश लाइट के लिए शॉट लेने के लिए, और रेड आई इफेक्ट जो होता है उसको रिमूव करने के लिए ब्लॉकिंग ऑसिलेटर यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक का जो नाम है नीड ऑफ ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, वो यही है कि हमें अगर नैरो पल्सेस चाहिए, नैरो रेक्टेंगुलर पल्सेस या उसको क्या बोलते ट्रिगर पल्स अगर हमको चाहिए तो हम ब्लॉकिंग ऑसिलेटर सर्किट को यूज़ करते हैं। और ब्लॉकिंग ऑसिलेटर सर्किट मैंने बताया, इसके अंदर बाकी सब चीज़ वही है, बीजेटी एज एन एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं एज ए फीडबैक एलिमेंट। तो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर से हम जो बाय यूजिंग ब्लॉकिंग ऑसिलेटर एस्टेबल और मोनो स्टेबल ऑपरेशन कैन बी पॉसिबल, मीन्स एस्टेबल मीन्स नो स्टेबल यानी कंटिन्यूस पल्सेस, और मोनो स्टेबल मीन्स सिंगल स्टेबल पल्सेस। तो हमने ऑसिलेटर में जो ट्रिपल फाइव टाइमर हो या हमने जो यूजिंग बीजेटी पढ़े हैं ये सारे ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं, तो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर में भी ये दोनों मोड अवेलेबल है, बट बायस्टेबल ऑपरेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्यों बायस्टेबल ऑपरेशन ब्लॉकिंग ऑसिलेटर के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो एस्टेबल एंड मोनो स्टेबल विल बी कवर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। सो ये टॉपिक यहीं तक था, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।